वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज की जो ये वीडियो है ये है हमारा व्लॉग दिल्ली टू उत्तराखंड के लिए। और पीछे जो आप लोग देख रहे हो मेरा टावल है, क्योंकि गीला और खतरे से मुझे गाड़ी में बिछाना पड़ा है। तो हम लोग लेके जा रहे हैं अपनी किया सेल्टोस, अभी मक्खी है। तो अभी जो है हम लोग विशाल और मैं मिलने वाले हैं। अभी मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, पहले विशाल से मिलूंगा और उसके बाद वी विल गो टू अल्मोड़ा। तो वहाँ पर हमारा, आपको पता ही है कि रिलीजियस रीज़न तो है ही जाने का, साथ ही साथ में मेरा थोड़ा कुछ काम भी है तो मैं उधर जा रहा हूँ, उसको निपटाऊंगा और उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊंगा क्या सीन्स है हाईवे के, कैसे क्या चल रहा है। और हमारे पास पास है इसलिए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ड्यू टू सम रीज़न हम प्लेट ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर और बातचीत करेंगे। ने रोड जो है वो हिट कर दिया है, और हमने हिट इसलिए करी है क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशाल भैया। तो भाई क्या हालचाल है? मैंने ऑडियंस को वैसे बता दिया कि हम लोग अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को मंदिर के दर्शन भी है, साथ में हमारे पहला ट्रिप है ये, लॉकडाउन के बाद पहला ट्रिप, और ये ट्रिप नहीं है मतलब ये हमारा मंदिर जाने का भी है, और साथ साथ में हमको थोड़ा काम भी है। और बहुत जल्दी आप लोगों को अल्मोड़ा और ये उत्तराखंड वाली बेल्ट में कुछ अपडेट देंगे, जिस चीज के लिए हम लोग जा रहे हैं, एक मीटिंग भी है अपनी छोटी सी। तो अपना भाई भी वहां पर मिलने वाला है मेरा, उसी के घर पे जो है मैं जाके रुकूंगा। तो एक ही दिन में मतलब 24 घंटे में आना जाना करना है। और ये भाई ने नया वॉलपेपर लगाया, इतना सेक्सी लग रहा है ना, ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है ना, और डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है भाई, मजा आ रहा है, सब कुछ सुपर स्मूथ चल रहा है। और अभी हम लोग पहुंच गए कैंट, इधर से लेफ्ट है सीधे आप लोगों का, किस तरफ वसंत विहार जाएगा ना। तो जैसे जैसे चलता रहेगा आपको बताऊंगा, बीच में क्या क्या टेस्टिंग हो रही है सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बस एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो हाईवे है वो बहुत ज्यादा खाली है, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। अंधेरा मेरे ऊपर पूरा पड़ रहा है, कैसे उजाले में हूँ, अंधेरे में हूँ भाई मैं, अच्छा ऐसे उजाले में आ सकता हूँ मैं। तो वैसे हम लोग बहुत आराम से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हाईवे में अगर आप तेज नहीं चलोगे तो पीछे वाला आपको ठोक देगा, तो थोड़ा ये भी संभल के चलना पड़ता है, ठीक है। विशाल भाई ने आंखें बना रखी, और हाईवे बहुत खाली है भाई, बहुत मतलब बहुत खाली। को लिटरली बता रहा हूँ कि कम से कम कुछ भी नहीं, नाना करते हुए 20 ट्रक अभी तक ऐसे जा चुके हैं जिनके पीछे कोई भी लाइट नहीं चल रही है। तो भाई हाईवे में अगर सिक्योरिटी है तो भाई इनके लिए कुछ करो यार, ये ट्रक वाले भाई अंधाधुंध चले हुए हैं। और आपको मैं आगे भी दिखा रहा हूँ, वो देख आगे ट्रक जा रहा है विशाल, देख रहा है भाई रिफ्लेक्टर की लाइट से, मतलब हम लोग मतलब रिफ्लेक्टर लगे उनकी गाड़ी में तो हम लाइट मार रहे हैं तो हमें पता चल रहा हो, देख लो आगे ट्रक आपको दिख रहा होगा। अभी विशाल इसके और पास लेके जा रहा है भाई, लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और इवन मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर मतलब लाइट भी चल रही होगी तो बिल्कुल छोटी सो, देखो लाल भी इसने एहसान वाली लाल जलवा रखी है, मतलब कुछ भी नहीं है भाई, कुछ तो लगा लो दादा, बस देखो छोटी सी लाइटें चल रही है, मतलब भाई पैथेटिक सीन है। एक तो पूरे मतलब हाईवे वाले रूट में लाइट नहीं है, ऊपर से भाई ये सीन, वो देखो आपको मैं जितने एग्जांपल बोलोगे उतने एग्जांपल दे दूंगा। आगे देखो ट्रक जा रहे हैं आपके सामने, ये देखो भाई इनमें कुछ भी नहीं है, अब तो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मेरे कैमरे में तो मैं आपको इतना नहीं दिखा पा रहा, लेकिन स्टिल आप लोग देखो, ये देखो सब कुछ क्लोज्ड है, कोई लाइट ही नहीं है, साइड में लगी हुई लाइट, वो देखो आगे एक और ट्रक जा रहा है भाई, इन्होंने जानबूझ के बंद तो नहीं करिए, कोई रीजन तो नहीं है, तो ये आगे तो लाइट जला के चल रहे हैं, लेकिन देखो भाई ये देखो लाइट ही नहीं है भाई, ये देखना भाई पता नहीं क्या सीन चल रहा है। और सबसे अच्छी खबर क्या है भाई, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो ढाबे है वो मेरे को खुले हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप रुक के खाना भी खा सकते हो। और भाई हम लोग वैसे पैकअप के लिए अपना जो है पूरा सीन लेके आए हुए खाने का, लेकिन स्टिल भाई देखो ये देखो लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया एकदम से, ना पीछे कोई चल रहा है भाई, क्या कहोगे विशाल? केयरलेसली चला रहे हो, पता नहीं इस बेल्ट में ऐसा क्यों चल रहे लोग, देखो लहराते हुए कोई भी कहीं भी घूम रहा है, देखो कोई भी कहीं भी घूम रहा है भाई। तो अपना शिवा ढाबा वाली जगह आ गए, कहीं रुकते तो आपको जरूर बताएंगे। तो सॉरी तो थोड़ी डकार वकार आ रही है, तो हम लोग रुके हैं अभी मोगा पंजाबी ढाबा में, और अभी विशाल गया हुआ है पानी की बॉटल्स लेने के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप हाईवे में ट्रेवल कर रहे हो और आपके पास प्रॉपर परमिशन है तो आप लोगों को हाईवे में जितने भी ढाबाज है वो ओपन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन से पहले वाले टाइम पे नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन से पहले जो है बहुत दिक्कतें थी रास्ते में और सब कुछ बंद था, लेकिन अब जो है सब कुछ खुला हुआ दिख रहा है। और बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कोरोना वायरस के जज्बे को सलाम, तो थोड़ा सा मैं हिंदी में अगर गलत बोल गया हूँ
ठीक है, बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई भाई, बहुत बढ़िया। और अभी तक हमारे को मुसाफिर कार्स वाला जो हमारा नंबर है उसमें कॉलें आ रही है, तो 3 बजे भी लोगों की कॉल आती है, पता नहीं भाई, लेकिन मत किया करो यार 3 बजे तक कॉल। ठीक है, विशाल भाई जो है वो पानी की बोतल लेके आ रहे हैं, और भाई पता कितनी पानी की बोतल ला रहा है, आपको दिखाता हूँ एक बार, इतना दिखा दो, दिखो देखो भाई कितनी पानी की बोतल है भाई। और भाई देखो राहु के साथ जो है डॉगी भी आ गया, क्योंकि भाई जो है वो डॉग लवर है। ठीक है भाई, बढ़िया, देर यू गो भाई, देख लो भाई कितनी पानी की बोतल आई है भाई, 5-10 कह रहे थे आप तो भाई, देख ली यार उनके पास 10 थी नहीं उनके पास भाई, ऐसे गिर नहीं जाएगी, देख लो भाई पानी की बोतलें भी आ चुकी है, और बस इतना ही है, अब निकल रहे हैं। आप हम लोग जो है ना, सो गाइस हम लोग जो है ना अपने वर्ड्स को वापसी ले रहे हैं कि रास्ता बहुत खुला है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्योंकि अब स्पीड काफी स्लो चुकी है और ट्रैफिक भी बहुत अच्छा खासा वाला जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अभी भी वही हालत है भाई, मतलब लाइटें वाइटें लोगों ने नहीं जला रखी है, ट्रक वाले अंधाधुंध चल रहे हैं, और पता नहीं भाई क्या खेल चल रहा है ना, मतलब अगर आपकी गाड़ी की लाइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो खेल खराब ही है भाई। ऑल दो वैसे रोडे खाली होती है, लेकिन फिर वही है कहीं ना कहीं पर थोड़े स्टॉपेज आते हैं, वहाँ पर आप फंस जाओगे। और अभी टाइम हो रहा है 2:48, और हमारा एप्पल कारप्ले हम इसमें चला देते हैं। अच्छा मैंने भी सॉरी तार जो है हटा रखी है, तो उसके वजह से चल रहा है। वैसे इंटरफेस बड़ा तगड़ा है इसका ना, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मेरे को ना, और जल्दी इसके बारे में रिवील करूँगा कि क्या लगाया हुआ है इसके अंदर, जब हमारे पास इसका स्टॉक आ जाएगा पूरा। दिखा रहा है, और ये रोड पूरी ना बहुत खराब हालत में है। ठीक है, और हम लोगों ने अभी बस ऐसे थोड़ा सा फ्रेश हवा खाने के लिए दरवाजा ओपन किया, मतलब सॉरी शीशा ओपन किया। ठीक है भाई, और आसपास ज्यादा लोग दिख नहीं रहे, और अगर हमारी हेडलाइट बंद कर दो तो पूरा अंधेरा हो जाएगा भाई, देख लो भाई। ठीक है, तो हमारी फॉग लाइट भी काम कर रही है, लेकिन फॉग लाइट केवल क्यूब वाली है, तो वो क्यूब वाला ही काम कर रही है, आगे जितना रिफ्लेक्ट हो सकता है उतना रिफ्लेक्ट कर रही है, दिखाने के लिए लुक का, जैसे हमने उसको DRL बना दिया। और बाकी भाई आसपास के गांव से गुजर रहे हैं, चलो देखते हैं कहां तक चलते हैं, कहां तक पहुंचते हैं। इतना हमें अभी पता लगा है सूत्रों से, और ये आपकी ट्रेन की पटरियां जा रही है, जो कि यहाँ से आपका क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट जो है बंद हो जाती है और ऑन हो जाती है, और ये आप लोगों का आई गेस्ट वो फॉरेस्ट एरिया वाला जगह आ गया ना है भाई, और इस वाले एरिया में मैंने इससे पहले वीडियोस बना रखी है। और भाई अभी तो ड्रोन वोन कुछ उड़ाने का सीन बनता नहीं है, तो आपको मैं नहीं तो कुछ बढ़िया सा दिखा देता, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा दिखाने को है नहीं। और अभी भी भाई 45 मिनट दिखा रहा है, पहले हम सोच रहे थे नैनीताल में स्टे करेंगे और फिर अल्मोड़ा जाएंगे, लेकिन अभी अभी लेट्स सी, कुछ अभी प्लान नहीं है भाई, क्या होता है देखते हैं। लेकिन ये वाली रोड बहुत सुनसान है, और यहाँ पर हर जगह चेतावनी लगी हुई है कि आप लोग उतरे ना, है ना, गाड़ी से ना उतरे, ना उतरे ना। ठीक है भाई, ना उतरे, चलो भाई। सो गाइस 5:17 अभी हो रहे हैं, और सूरज का मतलब आने का वक्त हो चुका है, हमारे चमत्कार भैया का नहीं हमारे ऊपर से निकल, उनके निकलने का टाइम हो चुका है, विशाल हंस रहा था यहाँ पर खड़े होकर। तो भाई कैसा लग रहा है ड्राइव करके भाई, किया सेल्टोस बेस मॉडल बहुत कंफर्टेबल है यार, कंफर्टेबल, हम पिछली बार स्विफ्ट में आए थे तो उससे तो बेटर ही है, लेकिन स्विफ्ट भी ठीक थी भाई, ऐसे मेरे स्विफ्ट के बारे में तुम बोल नहीं सकते वैसे इससे ज्यादा कंफर्टेबल यार ड्राइव करना, भाई ऑफ कोर्स ही बात है, लेग रूम बढ़िया है, कंफर्ट लेवल अच्छा है। और दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय किया, और ये हम लोग अपनी मर्जी से जो है गाड़ी खुद लेके आए, हमें अपना शौक है गाड़ी चलाने का। और भाई देखो उजाला कितना जबरदस्त वाला हो रहा है ना, और मेरी गाड़ियां देखो बिल्कुल, ये पूरा एक मंजर बना हुआ है बड़ा जबरदस्त ना ऐसे वाला, साथ में गणपति जी भी है, और आप लोग देखो भाई कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो हम लोग जो है बस 25 मिनट दूर है अपने डेस्टिनेशन से, मतलब ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है, व्लॉग तो चलता रहेगा, उसके बाद जो है फाइनल दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए ऊपर देखो, और आज लगता है बारिश होगी, है क्या लगता है, बर्फ गिरेगी क्या कहते हो, बर्फ गिरेगी कि नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, चलो भाई ठीक है। तो विशाल भाई
करते हैं क्योंकि भैया जो है वो बॉर्डर के सनी देवल है और मैं जैकी श्रॉफ हूँ जो कि सुबह अपने प्लेन लेके आता है। ठीक है भाई, तो मैं रात को नहीं चलाता हूँ, भाई रात को चलाता है, मैं दिन में चलाता हूँ कभी जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। दिल्ली दिल्ली में चलाता हूँ मैं वैसे हमारे सनी देवल सर। ठीक है, जबरदस्त। कैसा मौसम है जरूर बताना भाई मेरे को। वो देखो पहाड़, देखो पहाड़, देखो नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। को बड़ा जबरदस्त वाला व्यू दिखाने वाला हूँ, ये चेकआउट करो जरा। ओह माय गॉड भाई, हम लोग कितने महीने हो गए विशाल, कम से कम 3 महीने हो गए ना इस चीज को देखे हुए अच्छी तरीके से पहाड़ों वाला पूरा लुक। 3 महीने से ज्यादा हो गए ना। वैसे मतलब जा सकते थे हम लोग उस टाइम पे, नहीं गए, लेकिन हमने मतलब देखो भाई ये वाइट, ये थोड़ा सा और जूम और ये फुल जूम, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों की बिल्कुल पूरी सहमति चाहिए। और अब विशाल भैया बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे क्योंकि ये सुबह हो चुकी है, तो मेरा भाई जो है उससे मेरी बात हो चुकी है और टाइम हो रहा है 5:30, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो उससे मैं आपको मिलवाऊंगा। और बाकी भाई अभी इसी पहाड़ में चढ़ना है थोड़ी देर बाद, तो स्टे ट्यून्ड। और मेरे को अपने देहरादून की यादें पूरी हो गई, ऐसे हमारी बसें होती थी, यानी क्या बोलते थे बसों का नाम भूल गया यार, उसको क्या बोलते, विक्रम, जो छोटे वाले होते थे उनको तो विक्रम बोलते थे ना भाई, इनको कुछ कहते थे पता नहीं कौन सी बसें बोलते थे, लेकिन बढ़िया है भाई। और गाड़ी ने भाई बढ़िया तरीके का रिस्पांस दिया, भगाते हुए आए हैं और भाई जो है हमेशा आधा घंटे पहले पहुंचा देते हैं, तो और जल्दी पहुंच गया, बहुत जल्दी पहुंचा दिया भाई, पहले कमाल की बात, कहीं पर नहीं रोका। अभी तक तो नहीं रोका, अभी तक तो नहीं रोका, आगे देखते हैं रोकेंगे तो कुछ बताएंगे आपको, अभी तो कहीं नहीं रोका, चल रहे हैं, कुछ लगाया भी नहीं स्टिकर इकर, ऑल्दो हमारे पास सब कुछ है लेकिन स्टिल पास है ना वही, तभी उनको वैसे दिमाग से बचल गया उनको क्या यार। वैसे हाँ एक चीज है, वो गाड़ी तो रजिस्टर्ड उनके पास चली आती है ना लिस्ट, किनकी गाड़ी ट्रेवल हो रही है, तो तब ऐसा होता होगा, हो सकता है भाई, ऐसा मेरे को तो नहीं पता भाई, आप अगर कहोगे हाँ तब मैं ऑडियंस को आम बोलूंगा। ठीक है पहली बार, डन है भाई, डन है, बढ़िया लग रहा है कि लग रहा है, सब कुछ बताना जरूर मेरे को। ठीक है भाई, और एक थंबनेल भी यहाँ से हमने शूट किया है और नीचे पूरी नदी बह रही है और ऊपर का व्यू चेकआउट करो। और ये केवल हल्द्वानी से अभी आप लोगों को मैं व्यू पॉइंट दिखा रहा हूँ, अभी जब अल्मोड़ा जाएंगे तब और बढ़िया जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, और ये थोड़ा वाइड लेंस में भी चेक कर लो, और विशाल भाई से बात कराते हैं आपकी। भाई यहाँ पर आके ना मतलब ऐसी चीज जैसे भूल गए कि कोरोना भी कुछ होता है यहाँ पर आते भूल गए ना, रीसेट हो गए है, रीसेट हो गया सब कुछ। और मैं चाहता हूँ भाई जल्दी से जल्दी ये कोरोना वाला जो चल रहा है पूरा खत्म हो जाए भाई, लिटरली भाई मैं चाहता हूँ कि हम वैसे भाइयों की तरह बैठे जैसे बैठे हैं ना भाई, बस वैसे बैठे सबके सब। और मतलब चलो इससे और बीमारियाँ कम हो गई, लेकिन स्टिल यार कोरोना तो जिनको हो रहा है उनके लिए तो डेडली डिजीज है, तो प्लीज़ प्रिकॉशन देख लो, मास्क हमने भी टंगा रखे हैं क्योंकि अब किसी से बात करोगे आदत सी होगी, लेकिन यहाँ पर आके सब कुछ रीसेट हो गया लिटरली, है ना भाई। गाइस तो हम लोग जो है अपने भाई के पास आ चुके हैं। ठीक है, तो विशाल भाई और मैं जो है वो भाई से मिल चुके हैं, केवल भाई हेलो बोल दो। हेलो। ठीक है भाई, तो रोहित भाई है, तो मतलब मेरे ताऊजी का बेटा, यानी कि मेरा भाई, सगा भाई, समझ गया ना भाई। और भाई ने देखो भाई हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई है, अभी क्या है मैं भूल गया, ओट्स और क्या है, सैंडविच टोस्ट जो आप बोलना चाहो। और आपने क्या पिया सर? मैंने कॉफ़ी भाई, कॉफ़ी पी ली है, और अब भाई सही वक्त का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कब भाई तैयार हो जाएगा सही तरीके से। और बाकी भाई बहुत बढ़िया है, बाकी जब हम निकलेंगे बाहर तब आपसे और बातचीत करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल, तो अल्मोड़ा जाने के दो रूट होते हैं, सो हम लोग वाया भीमताल जा रहे हैं क्योंकि इसमें आपको व्यू भी देखने को मिल जाएगा और सब कुछ बढ़िया भी है यहाँ पर। ठीक है भाई, और यहाँ पर तो सही है भाई, अच्छा मतलब लोगों की आना जाना बहुत है, लेकिन दिल्ली की अभी तक कोई भी गाड़ी हमें दिखी नहीं है, HRHR की गाड़ी दिख रही है और लोगों ने बीच में पार्क कर रखी है। भाई क्या कर रहे हैं बीच में पार्क करके, फोटो खींच रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, हम लोग नहीं करेंगे बेवकूफ़ी, कोई टॉयलेट भी कर रहा था पीछे। ठीक है, तो ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं भाई, मेन हमारा जो पूरा काम है वो मैं अल्मोड़ा पहुंच के कर रहा हूँ। लैंडस्लाइड होगा ना,
पूरा लैंड स्लाइड हो गया, स्टिल सेफ टू गो। हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमार्ग में, है गुलमार्ग बोलते, गुलमर्ग, गुलमर्ग भाई। देखो पूरी फील वैसी आ रखी है, मेरे को थोड़ी सी ना एसिडिटी हो गई है क्योंकि भाई रात को भी जगे हुए थे, अभी भी जगे हुए हैं, तो थोड़ी एसिडिटी हो गई है, स्टिल कोपिंग अप कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। और नीचे का माहौल भी बहुत अच्छा है देखने में ना, एवरीथिंग लुक्स सो गुड मैन। मोर 1 hour 7 minutes का हमारा ट्रिप, उसके बाद एक छोटा सा कुछ काम है वो निपटाना है, एंड देन वापसी दिल्ली करेंगे। आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ से देखो आपको अल्मोड़ा दिख रहा होगा पूरा, तो ये पूरा जो है अल्मोड़ा सिटी जो है आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बड़ी प्यारी लगती है भाई ये सिटी ना देखने में इधर से, और भाई पहाड़ों में और पहाड़ियों का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई, क्या कहोगे विशाल इस बार? भाई है पहाड़ों का तो कोई तोड़ नहीं है, और पहाड़ियों का भी भाई। सही है भाई। तो भाई जिन जिनको नहीं पता है भाई, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और अब विशाल भी करने लग गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है भाई मतलब उत्तराखंड हिमाचल ही हमारे मतलब दिल के बहुत करीब है, एंड जब भी हम अपनी लाइफ में कभी भी लो फील करते हैं तो हम ये ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिप हमारी जो है वो मनाली होगी, क्योंकि हमने सोच रखा है, और हमारी प्यारी जिप्सी क्योंकि हमसे बहुत प्यार करती है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई हम लोग जाए तो मेरे को बताना नीचे, तो चले जाएंगे भाई। हम लोगों ने जो है दर्शन कर लिए, अंदर बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं तो शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे को पहले मेरे को रिलेटिव लेके आए थे मेरे को चितई गोलू देवता के मंदिर में, और उस टाइम पे मैंने कुछ अरज किया था, और मतलब लिटरली दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट कि आप लोग जो है अगर आप लोग कभी भी यहाँ पर आ रहे हो तो अगर आप कुछ अरज मांगते हो पक्का पूरा होता है। पॉजिटिविटी कैसी है? बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा जब भी प्लान करते हैं आने का, तो सबसे बड़ा जो सीन रहता है वो यही रहता है कि भाई इधर एक बार ज़रूर आओ, आप लोग भी आओ, और आप खुद ये चीज़ देखो। थोड़ा सा ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अगेन मैजिकल पूरा जो भी हो सकता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंड उत्तराखंड इज़ नोन फॉर मैजिक, सो आओ और ज़रूर विज़िट करो। जी का जो अपना मंदिर है उसमें भी ज़रूर आना है। तो आपकी पूरा जो ये मतलब एक कहते हैं ना कि आप एक प्रण मांगते हो, सब चीज़ें पूरी करने के लिए आप लोगों ने डाना गोलू ज़रूर आना है, और बहुत पीस मिलता है यहाँ पर पूरा। अगर आप व्यू भी देखोगे यहाँ पर बड़ा अच्छा है। मैं अंदर पूरी पूजा करके आ चुका हूँ, क्योंकि कैमरा अंदर ले जाना ज़्यादा सही नहीं है, तो मैं इसलिए ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करता हूँ, और बड़ी पीस वाली चीज़ है, और मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि भाई मेरे को एक इंटरनल जो कहते हैं ना कि एक पीस मिलता है, तो मेरे को इस चीज़ से पीस मिलता है। बाकी विशाल भाई अंदर होंगे, उनसे भी बात करते हैं। हाँ पर भाई एक कुछ तेरे को कुछ पावर लगती है, चाहे वो घूस बम्स हो या कुछ भी हो, कुछ फील होता है? पॉजिटिविटी है यार, यहाँ पॉजिटिव फीलिंग है काफी। और वैसे विशाल कोई इतना आस्तिक बंदा नहीं है, मतलब ये नास्तिक टाइप का है, लेकिन स्टिल ये मतलब ये चीज में, क्योंकि इधर मैजिक है कि नहीं है पहले तू अपने आप खुद एक्सपीरियंस बता अपना। हाँ भाई सब कुछ बनता जाता है यहाँ पे, है ना, जो भी आप मांगोगे आपको पूरा होके मिलेगा, बस आपकी श्रद्धा होना चाहिए अच्छी, सब कुछ बढ़िया होता है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वापसी, पहले हम लोग हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे दिल्ली की तरफ। रोंगली पार्क डोर की, और उसके बाद भी आगे भी पूरा रोंगली पार्क है, अब क्या बोले किसको बोले भाई, जाम लगाने वाली बात है बस। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहा है। हम लोगों को ना फॉक्स है, कुत्ता है, फॉक्स है, फॉक्स है, फॉक्स है, देखो भाई फॉक्स है, फॉक्स है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो देखो भाई फॉक्स है, फॉक्स है। मेरा शीशा खुला हुआ थोड़ा सा ना, बंद कर लेता हूँ। देखो भाई डर रहा है यार, हमसे डर रहा है भाई, हम किसी को डराना नहीं चाहते। देख लो भाई, तू फॉक्स काटता है विशाल? हाँ दिखाओ। चलेगा भाई पूछ के, क्योंकि आज मंदिर होके आया है, नहीं तो भाई जो अंडा अंडा खाना पसंद करता है। और यहाँ एक बढ़िया सी मूवी भी चल रही है, ठीक है भाई
तो टीका एक बराबर लगा हुआ है हमारा, पराठा खाते हैं और फिर बातचीत करेंगे। कि नहाने के बाद हमेशा गीजर ऑफ करना चाहिए, गीजर ऑफ नहीं किया देखो कितना फॉग हो रखा है। ठीक है देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि गर्मियों का मौसम है भाई, सर्दियों वाला पूरा मौसम का सीन बना है। बाहर की हवा इतनी मस्त ठंडी हवा आ रही है और यूपी 25 के लोग इधर खड़े थे, लुक सो नाइस यार। हाँ बहुत बढ़िया यार, मतलब अल्टीमेट लुक है भाई, जितना बोला जाए उतना कम है। हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया है एंड हम लोगों को घर जो पहुंचते पहुंचते 9:30 दिखा रहा है, हम जगह एक जगह अभी और रुकेंगे खाना पीना खाने, तो मतलब वही 11-12 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग जो है नॉनस्टॉप चले बिना सोए हुए, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं कभी ऐसा करो, है ना भाई, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी शॉर्टेज ऑफ टाइम थी तो हमें ये करना पड़ा। आप लोग ऐसा कुछ मत करना। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप कभी उत्तराखंड आ रहे हो, पहले तो अभी का जो सिनेरियो है एक परफेक्ट पास आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को आई गेस इधर क्वारंटीन और क्वारंटाइन वाला जो सीन है वो कर देंगे, है ना। और अभी वहाँ पे टेस्ट वेस्ट भी हो रहे थे ऊपर, कुछ टेस्ट का भी सीन चल रहा था, हमारे पास परफेक्ट पास था और सब चीजें था तो हमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज संभल के आना, ठीक है ना भाई। टेस्ट करा के आ जाओ, अपना टेस्ट करा के आ जाओ, ज्यादा अच्छी बात ही है, अपना टेस्ट करा लो तो ज्यादा बढ़िया। वैसे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन आप लोग आ रहे हो तो प्लीज ऐसा मत लेना कि भाई हाँ लाइटली आ जाओ, पास बना देंगे ये हो जाएगा, तो भाई प्लीज इस चीज को सीरियसली लो। और इसी के साथ में भाई इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, हम नीचे उतरना स्टार्ट हो गए, इसके बाद हम सीधे दिल्ली जाएंगे। दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, खाना पीना मैं खाता रहूंगा, इंस्टाग्राम में दिखाता रहूंगा, कोशिश करता हूँ कि जिस दिन इस वीडियो को मैंने शूट कर रहा हूँ उसी दिन अपलोडिंग में लगा सकूँ। लेट्स सी सब कुछ कैसा रहता है, मे बी रात लेट वीडियो आएगी, लेकिन कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी आप लोग जरूर बताना। सो विद दिस सेड गाइस, करते हैं आज की इस वीडियो को एंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मुसाफिर कार से अगर आप लोगों ने एक्सक्लूसिव कुछ प्रोडक्ट खरीदने तो किस नंबर पे व्हाट्सएप करना है? 9319161756। देखो मेरे को याद हुआ कि नहीं हुआ, 9319161756 याद हो गया। तो भाई बड़ा इजी सा नंबर है क्योंकि आपका भाई खरीद के लेके आया था यार, दो नंबर लेके आया था मैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर इंस्टाग्राम में मुसाफिर को फॉलो करना है मुसाफिर 7811, और अगर मुसाफिर कार्स को फॉलो करना है तो ऑफिशियल जो हमारा पेज है मुसाफिर कार्स का, अब थोड़े कॉपी भी बनने स्टार्ट हो गए तो देख लेना, उसमें करीबन 11,000 प्लस जो है फॉलोअर्स है। तो प्यार मोहब्बत बराबर रखो और करते आज इस वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड इस टर्न को थोड़ा आने देते हैं, अभी एक और गाड़ी आ रही है फिर करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे करियो, चल बाय 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 बाय।